एटीएम से पैसे निकलवाएंगे, हमारा तो कार्ड ही फंस गया। और हम पहली दफा एटीएम मशीन पे जा रहे हैं तो पैसे खत्म हो गए, और फर्स्ट टाइम मैं एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने लगे, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे तो लाइन लगी हुई है, पता नहीं था कितनी देर लग जाती है, देखते हैं क्या हिसाब है। हम शरीफ बंदे हैं, दो आपी हमारे बाद आई हैं और वो हमारे आगे चली गई, हम उनको कुछ नहीं कह सके, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होने देना। तो ये हम आ गए एटीएम मशीन के अंदर, तो लॉक कर दो, ये हो गया ये लॉक, ओके बस ठीक हो गया। मैं चेक कर लूंगा, देखिए मुझे आ जाएगा, आप लोगों को भी आ जाएगा, देख लेना। मैं चेक करता हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे डालना होगा, चलो मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे मैं बड़े मज़े से व्लॉग बना रहा था कि पहली दफ़ा एटीएम यूज़ करने में कितना मज़ा आ रहा है। आगे हाँ ठीक हो गया, मैं कर दूँ, कौन सा वाला है? अब मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही थी कि जो ऑप्शंस आए हुए हैं उनके ऊपर जाना किस तरह है। काफ़ी देर इधर उधर उंगली घुमाने के बाद मैं अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच ही गया और मैंने स्क्रीन पे टच कर दिया। वीडियो एडिट करते हुए मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि पता नहीं कहाँ पे था मेरा दिमाग कि मैंने कैंसिल के बटन पर क्लिक कर दिया। कहाँ से निकल रहे हैं? ओ भाई, मैंने उसे निकालने की कोशिश की लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था। ये टून टून सुन के मेरा दिमाग वैसे ही शॉर्ट हो गया था। और इस एटीएम मशीन ने मेरा कार्ड चोरी कर लिया। अब मैं एटीएम मशीन के मुख्तलिफ पार्ट्स को चेक कर रहा था कि शायद यहाँ से मेरा कार्ड निकला है। बाकी क्या कर रहे हैं? आखिरकार मैंने तस्लीम कर ही लिया कि काम ख़राब हो गया और मैंने वीडियो को बंद कर दिया। हम वहाँ से एटीएम से पैसे निकलवाने गए, हमारा तो कार्ड ही फंस गया। वो कार्ड नहीं क्या, हमने हेल्पलाइन पे कॉल किया, वो कहती है 40 सेकंड्स के लिए दबा के रखे, कैंसिल वाला बटन तो निकला ही है लेकिन वो कोई नहीं निकला है। तो देखते हैं अब घर कॉल करके पूछ दो क्या सीन है इसका और आगे क्या करना है। यार अब हमें तो समझ नहीं आ रही करना क्या है। अब अपने रूममेट जो हैं, जो सीनियर मतलब तीसरी दफ़ा रिपीट करके आए हैं, वो फार्मेसी कर रहे थे, उनसे पूछते हैं क्या करना है। कार उठा ले, अली भाई का जो है वो कार्ड एटीएम में रह गया, पहली दफ़ा निकलवाने गया, ये भी सैप हुआ है, अजीब ड्रामे बाजी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। एटीएम कार्ड के चक्कर में मेरा एनाटॉमी का लेक्चर भी मिस हो गया। खैर अब मैं जा रहा हूँ बायोकेम के लेक्चर में, कोई दोस्त से नेट लेके ना, मेरा पता नहीं डाटा भी काम नहीं कर रहा है। सारे पैसे दूसरे अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र करवाने लगा हूँ आपी वाले, यहाँ पे किसी दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। अजीब यार, कोई बंदे को SOPs वगैरह पता होनी चाहिए। अभी भी हम चलते हैं बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर हॉल में। अब यहाँ पे जब नेट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो यहाँ पे मोबाइल डाटा के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे, ना बाहर आ रहे हैं, अजीब ने जोंग का नेट है। इतनी एमरजेंसी में ना यूफोन का नेट काम कर रहा था ना जोंग का नेट काम कर रहा था। तो फिर मैंने अपने एक सीनियर भाई से हॉटस्पॉट लिया और देखा कि क्या बैलेंस उतना ही है, क्योंकि आपी को मैसेज आ गया था कि 7000 डेबिट हो गया। वो तो शुक्र है बैलेंस चेक किया तो उतने का उतना ही है जितना पहले वो है था। तो अब मैं अपने दोस्त से नेट लेके ना, मेरा तो काम पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, 10 GB फिर भी नहीं, तो करवाते हैं कुछ ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए मैंने कहा कि टीचर से कोई सवाल ही कर लेते हैं। मैम कुछ सीनियर भाई कह रहे थे कि लैंगमैन जो है वो KLM से ज़्यादा अच्छी है ओवरऑल, मतलब
मेट्रोलॉजी के बहुत बड़ी बुक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सर अभी हम कौन कौन सी बुक्स ले, ये समझ नहीं आ रही है अभी हम KLM आप जन ग्रॉस एंड एडल्ट ठीक है, कोई तरीके से इतने मजे मजे से मेरा व्लॉग बन रहा था यार, मैंने कोई सोचा था कोई छोटा सा पार्ट ऐड करूंगा अपनी वीडियो में, लेकिन वहाँ पे मेरा कार्ड ही फंस गया यार, अजीब ड्रामेबाजी हुई है। खैर अब मैं अपनी जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र करवाने लगा अपने रूममेट मुकरम भाई के अकाउंट में, तो वहाँ से फिर निकाल के बुक्स वगैरह ले लेते हैं, बुक्स पे एक और व्लॉग बना दूंगा। यानी मैंने दो लेक्चर गुजारे कैसे हैं, पहली दफ़ा आप सोचिए आप पहली दफ़ा ATM से ट्रांजेक्शन करवाने जा रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं और आपका कार्ड ही ना बाहर निकले, ऊपर से वो अकाउंट भी मेरा अपना नहीं है। यहाँ के बैंक वालों को ये भी नहीं बोल सकता कि मुझे कार्ड दे, वो कहेंगे अपना जो है ये क्या किसका अकाउंट किसी और का। खैर देखते हैं अब क्या करें। तो अब फिर ट्रांसफ़र करवाने लगा मैं मुकरम भाई के बैंक अकाउंट में, सारे नहीं करवाने लगा, वो बात शायद सीनियर से किए ना तो पता चल गया कोई इतना मसला खैर बड़ा नहीं है, तो मैं फिर बस थोड़ी करवाने लगा जितने में मेरी बुक्स आ जाएंगी। कुछ बुक्स तो सीनियर भाई से मिल गई हैं, उस्मान अबीद भाई से मिल गई हैं, और बाकी मैं नई न्यू ले लूँगा। अब एक नया मसला हो गया कि UBL की ऐप से किसी के भी अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र करवानी होती है ना जब कोई भी पेमेंट, तो आपको OTP चाहिए होती है, और वो OTP आनी होती है नंबर के ऊपर, और वह नंबर है मेरी आपी के पास। अब आपी को कॉल करनी है लेकिन बैलेंस नहीं है। हमारे कमरे में एक ही मोबाइल है जिसके ऊपर बैलेंस है, और वो मोबाइल भी की भी बैटरी डेड है, उसको चार्ज करना है ताकि वो ऑन हो, उसके बाद फिर कॉल करते हैं घर में। कॉल ही नहीं उठा रही आप। अब मैं चाहता तो ये वीडियो आपको बेशक ना दिखाता, लेकिन आपको ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए और घर से ये बातें सीखी हैं ताकि आपको बाद में मसला पेश ना आए। मैंने पर्सनली कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था जिसकी वजह से मुझे बाद में इश्यूज़ फेस करना पड़े थे, तो बेटर है कि आप पहले से तैयार हो गए। आखिरकार मैंने किसी ना किसी तरीके मुकरम भाई के बैंक में अपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे, और अब मैं मुकरम भाई के साथ आया हूँ, उनके ATM कार्ड के जरिए अब हम पैसे निकलवाने लगे हैं, तो देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं उसे। अच्छा ये पहले डाल दिया, पिन पूछने लगेगा तो मैं पीछे हो जाऊंगा। मुकरम भाई को कोई मसला नहीं था क्योंकि उन्हें पता था कि उनके कार्ड में सिर्फ वही पैसे हैं जो मैंने ट्रांसफ़र किए हैं। होगी तो मुझे बताना यार, 10,000 पूरा निकलवा लें। आपके पास कितना? चलो ठीक है निकलवा 5,000। और शुक्र है निकले में। बस ठीक है।